उत्तराखंड में तेंदुए ने आतंक मचाया। बताया जा रहा है कि खेतों में काम करने जा रहे तीन किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर घटना का जायजा ले रहे एक अधिकारी पर भी हमला किया, जहां चारों घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसे देखते हुए मामले पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए बाहर से टीम बुलाई गई है। ये मामला है, ये चीता की बात कुछ आया है और यहाँ गेहूँ में क्या कहते हैं बैठा था, उसके बाद में जब क्या कहते हैं हमारे अधिकारी बन रहे अब्दुल्ला भिड़ के आए तो उनको ऐसे पंजे से मार कर ऐसे नोच दिया, उसके बाद बाघ आगे भाग गया है। अब उसको क्लियर है बाघ चीता है कि बाघ है। आगरा के थाने में तीसरे समाधान दिवस के दौरान एसएसपी अमित पाठक ने थाने का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान शिकायत लेकर आए लोगों की एसएसपी ने समस्याएं सुनी और थाने में दर्ज शिकायतों का समाधान करने के लिए निर्देश दिए। लखनऊ में रेप और मर्डर के आरोपी का एक और संगीन गुनाह सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अभिषेक त्रिपाठी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम कई राउंड फायरिंग कर रहा है। फिलहाल एसपी ने आदेश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के थाना गुडम्बा में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि प्लाईवुड फैक्ट्री में खराब मशीन के चलते एक युवक की अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना देने गई मृतक की मां को थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद भी मां ने हाथ जोड़कर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उसके बावजूद भी पुलिस मामले पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ में विवाद के चलते आईटीआई कॉलेज में तीन छात्रों पर गोली चला दी गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि कॉलेज के ग्राउंड में बाहरी युवक शराब पी रहे थे, जिसका विरोध करने पर आईटीआई छात्रों को युवक ने गोली मार दी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में दो दिन पहले घर में घुसकर परिवार पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊ में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एलईडी लाइट निकालने को लेकर दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने घर में मौजूद लड़कियों के साथ छेड़खानी की। और वहीं मामले पर परिजनों द्वारा शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम युवाओं को मौलवी पद पर इंडियन आर्मी में भर्ती मिलेगी। आपको बता दें कि एएमयू मुस्लिम युवाओं के लिए जुलाई से एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन मुस्लिम चैप्लाइंसी कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10 सीटों पर 5 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वह इस कोर्स को करके जेल चिकित्सा में भी भर्ती मिलेगी।